चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आज हर तहसील मुख्यालय पर और सभी काम बंद करके आज भारत बंद का की तैयारी पे लगी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा भारत बंद सफल रहेगा। सरकार बहुत आई चली गई, इस तरह की सरकार आज तक नहीं आई थी। किसान को अंधाधुंध कह रहे और अंधाधुंध के रास्ते में कील ठोकी जा रही। चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने से, राम राज्य के लिए बस फ्री कर देने से किसान के साथ न्याय नहीं होता। किसान के साथ न्याय होता है जब 1,00,000 आत्महत्या इस देश का किसान करता है। वो आत्महत्याएं रुकेंगी कैसे, इस पर इस देश को बात करनी होगी। कल को हमारी मीटिंग हाईकमान का जैसे आदेश होंगे, दिल्ली जाने का होगा दिल्ली, जैसा भी होगा। सभी भाइयों से निवेदन है कि इस लड़ाई को अपनी जारी रख के किसान यूनियन जिंदाबाद, जिला अध्यक्ष नालंदा की जिंदाबाद। आज हर तहसील मुख्यालय पर और सभी काम बंद करके आज भारत बंद का की तैयारी पे लगी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा भारत बंद सफल रहेगा। आज हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी कलंदर मलिक जी की जो पूरी टीम है जिले की, वह आज तन मन धन से अपने सभी काम निरस्त करके भारत बंद के लिए सफल बनाने के लिए आज यहाँ पहुँच चुकी है। भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसका लक्ष्य जुड़ा हुआ है। जो धरना चला था वहाँ 13 महीने, उससे जुड़ा हुआ है। सरकार के साथ में जो बातें हुई थी, वहाँ वादे हुए थे, जो भी वादे हैं उन पर किसी पर भी अमल नहीं किया गया। सिर्फ झूठ बोलने का काम सरकार ने, प्रधानमंत्री ने करा। जो अन्नदाता है, किसान है देश का, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करे, ईमानदारी से करे, वफादारी से करे, इसकी कोई सुनने वाला है नहीं। पंजाब का किसान चला था, ईमानदारी से चला था, आज चला था कि भाई अपनी मांगों को हम, चलो चुनाव का भी बतावे कि भाई चुनाव आएंगे, चुनाव का इधर राजनीतिक स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इस वजह से मौका देखे था उन्होंने कि भाई चुनाव जरूर है, आज हमारी मांग आसानी से मांग लेंगे। कम से कम उन्हें जाने तो देते, वहां तक जाकर उन्हें तो देखते भाई कितना उपद्रव कराए में क्या करें। पहले उन्होंने कील गाड़ दी, दीवार खींच दी, गड्ढे कर दिए, गोले फेंक दिए, मारने के कगार पर किसान को तुली है सरकार। अब्बास प्रमुख जी, प्रदेश सचिव अनिल मलिक जी, किसानों को भी, पंजाब के जो किसान हैं, हरियाणा के जो किसान हैं, उनको भी दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, उनके लिए कीले और बैरिकेडिंग लगा दिया, क्या इस देश में आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? हाँ, यू मामला सरकार बहुत आई चली गई, इस तरह की सरकार आज तक नहीं आई थी। किसान को अंधाधुंध कह रहे और अंधाधुंध के रास्ते में कील ठोकी जा रही, और अगर अंधाधुंध ने अपने रवैये तब बदलाव कर लिया तो ये कील दरी की दरी रह जाएंगी, कील उल्टी उन्हीं के सिर में ठुक जाएंगी जो उनसे ऐसा रवैया कर रहे हैं। पंजाब के हरियाणा के बॉर्डर पर जिस तरीके से आधी रात में 2:30 बजे भी ड्रोन से किसानों पर गोले बरसाए जा रहे हैं, 1917 के चंपारण के गांधी आंदोलन से लेकर के जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन और किसान आंदोलन तक सरीक कर लीजिए, इस देश में कब ऐसा हुआ कि किसान के ऊपर ड्रोन से गोले बरसाए जाएं? चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने से, राम राज्य के लिए बस फ्री कर देने से किसान के साथ न्याय नहीं होता। किसान के साथ न्याय होता है जब 1,00,000 आत्महत्या इस देश का किसान करता है। वो आत्महत्याएं रुकेंगी कैसे, इस पर इस देश को बात करनी होगी। ये देश अब आंदोलन से बचेगा। जेपी आंदोलन ने इस देश में इमरजेंसी के टाइम इस देश को रास्ता दिखाया था, फिर एक बार आंदोलन ही इस देश को दिशा दिखाएगा, ये हम आपको सुनिश्चित कर रहे हैं। Yeah.
भी सरकार हमने भी देखी, आपने भी देखी, पहले जो भी सरकार थी, पहले या दूसरे दिन ही किसानों से आके उनकी बात सुने कर थी और होने लाग सभी समाधान करती थी। लेकिन ये सरकार जब से आई है अपना एक हठधर्मी का रवैया रखती है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने किसान के और मजदूर के हित के लिए लड़ाई जारी रखे। कल को हमारी मीटिंग हाईकमान का जैसे आदेश होंगे, दिल्ली जाने का होगा दिल्ली, जैसा भी होगा, सभी भाइयों से निवेदन है कि इस लड़ाई को अपनी जारी रखे। मुद्दे गिले, लेकिन किसानों की हालत ऐसी कर दी कि बच्चे घर में नहीं रहने देते और पैरिया सरकार। बहुत बढ़िया, हम सब लोगों ने बिल्कुल सही बात कही।